तो गाइस ये हमारा सारा जुलूस जो है इस टाइम पे आ रहा है। ये देखिए कितनी अवाम है, कितना जोश और जज्बा। आज पाम संडे है भाई, आज खजूरों का इतवार है और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग हो गया। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। और आज का व्लॉग बहुत ही डैशिंग, बहुत ही कमाल और बहुत ही मजेदार होने वाला है। और ये हमारी टैनी थी, बर्थडे गर्ल भी हमारे पास आ गई है। दोरी आपने बाल वॉश कर लिए? बस जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ फिर चर्च चलें, ठीक है। सो गाइस अभी हमारा ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का मूड बन गया है क्योंकि आज जो है चर्च बहुत ज्यादा थोड़ा लंबा होने वाला है। और आज मैं आपको बताऊंगा ये हम पाम संडे यानी कि खजूरों के इतवार क्यों कहा जाता है और हम इस खजूरों के इतवार को किस लिए बनाते हैं। तो गाइस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लो। इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपको उसकी नोटिफिकेशन एकदम से आती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ए फ्यू मिनट्स लेटर। तो गाइस विक्की भी आ गया है चर्च के लिए, आदि साहब तैयार हो रहे हैं। इतनी देर लगाता है ये बंदा तैयार होने में, ना पता नहीं क्या अपने शूजों के साथ करता रहता है। तो गाइस अभी हम लोग निकलने वाले हैं चर्च के लिए और अब आपको मिलेंगे हम चर्च में ही जाके, क्योंकि सारे अभी तैयार हो रहे हैं। शेल भी तैयार हो रही है, टिक्को भी तैयार हो रही है, दिया तो सुबह सुबह यार तैयार होगी भाई। दिया ने हम सबको उठाया। अच्छा हाँ टिक्को रेडी हो आप? हेलो चलें फिर क्या? हाँ तो आज तो आपके दिन है बेटे, आज आपको बड़े एंजॉय कराना है तुम्हारे बाप ने। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तू जा। चर्च आ गए और सामने देखिए जुलूस आ रहा है। आज खजूरों का इतवार है और क्रिश्चियनिटी बहुत जोशो खरोश से जो है बना रही है। और ये देखिए सामने खजूरों के दरख्त के पत्ते टहनियाँ लोगों ने पकड़ी हुई है। तो फाइनली गाइस ये देखें हमारा चर्च खत्म हो गया। अभी इस टाइम पे खजूरों की इन्होंने टहनियाँ पकड़ ली हैं बच्चों ने। दिया दिया वो लग जाएगी बेटे किसी के मुंह पे यार, तो मैं नहीं चाहिए तुमसे ना हो पाएगा। चलते हैं जुलूस के, अब आपको मैं दिखाता हूँ जुलूस हमारा कैसा होता है। ये देखो हमारा जुलूस जो कितना आगे चला गया। ये दिया की ना चप्पल गुम हो गई थी, अब मिल गई है इसकी चप्पल। तुमने उतारी कहाँ थी? या मैं मम्मा की जूती के साथ उतारी। फिर हमारे ऊपर ये दिया जाए। चलो जल्दी चलो यार, जुलूस देखो कितने आगे निकल गया है यार। वो देखो वो जा रहा है जुलूस यार, कितनी आगे यार। जबरदस्त दिन है आज का अमेजिंग डे है। आए तब हमारे देखो पीछे जुलूस भी आ रहा है। ये देखे बहुत सारे जुलूस है पीछे और ये हमारे जुलूस एक आगे भी जा रहा है। और आज बहुत सारा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। और ये बच्चे भी देखे हैं, सब अपने अपने घरों से निकले हुए हैं और सारे इंजॉय कर रहे हैं। लोग ऊपर छतों से देख रहे हैं, लोग हमारे जुलूस को सब इंजॉय कर रहे हैं। गाइस ये हमारा सारा जुलूस जो है इस टाइम पे आ रहा है। ये देखें कितनी अवाम है, कितना जोश और जज्बा। गाइस यहाँ पर भी कितना जज्बा और जुनून आप लोगों को देखने को मिल रहा है। लुक एट दिस गाइस, हालेलुया, नाच रहे गा रहे हैं क्योंकि आज जीसस क्राइस्ट अपने शहर वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा लगेगा। कितने सारे हालेलुया हालेलुया जय। क्या हुआ Oh, 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 oh
चाचू उसके साथ बैठे, मैं उसको गाइड कहते हुए ऐसे हिंदी में बोलेगा तो समझ में आएगा ना। फाइनली गाइस ये ग्लासेस पहन के बोलता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पर आ चुके हैं, बड़ा मजे रहा, बहुत ही मजा आया आज वर्शिप चर्च और जुलूसों के पर डांस नाच ये वो बड़ा एंजॉय किया, मजा आया। आपको ना थोड़ा सा चेंज करके ब्रेकफास्ट में मिलते हैं, चेंज क्या करना, सिर्फ शर्ट ही उतारनी है, टी शर्ट मैंने ऑलरेडी नीचे पहनी हुई है गाइस। लक्की देखो अभी जल्दी से रिक्शा निकालने वाला है बाहर, ये रिक्शे को देखो साफ कर रहा है, बहुत मेहनती लड़का है ये जब भी बाइक एक रिक्शा बाहर निकालता है ना इसको अच्छी तरह ये नीट एंड क्लीन करता है, सम टाइम तो पूरा रिक्शे को धो डालता है भाई। क्या बात है सर। आपको पता है एक और चीज, ये बच्चा अभी इस टाइम पे तुम्हारी एज क्या है 12, ये 12 इयर्स का बच्चा है और ये रिक्शा इतना औसम चलाता है। बड़ा बंदा भी जो है ना वो रिक्शा इतने अच्छे तरीके से नहीं चलाता जितना अच्छा ये ड्राइव करता है। अभी जो है ना शैली जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही है और जब तक मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारा पाम संडे यानी कि खजूरों का इतवार क्यों है। जीसस क्राइस्ट जब 40 दिन का एक रोजा रख के अपने शहर वापिस आए थे तो लोगों ने उनका ये खजूरों के दरख्तों के जो टहनियां होती हैं इसको रोड के ऊपर बिछा के उनका जोश व खरोश और जज्बे से उनका वेलकम किया था। तो इसी चीज को याद करके हम आज ये पाम संडे बनाते हैं। आज के दिन जीसस क्राइस्ट यानी के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपने शहर वापस आए थे यरूशलम में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तभी हमारा जो है फाइनली सब छोड़ो भाई, हमारा जो है आज ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट में आलू है, चिकन था इसमें लेकिन चिकन जो है ना गायब हो गया, चिकन भाग गई है, और साथ जो है हमारे अंडे एग और खूबसूरत पराठे, चाय हमारी बन के आ चुकी है। और ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, आज मेरे टिक्कू की बर्थडे भी है भाई। भाई वो टिक्कू कह रही है अंडा अलग में चाहिए, हाफ फ्राई। आज तुम्हारा दिन है बेटे, तू जो कहेगी वही होगा। मस्त प्लान है। हाँ आज तुम्हारा दिन है। दो गेम लेके देनी है, एक बार मैं तुम्हारे लिए 10 गेम में सोच के बैठा हूँ। ब्रेकफास्ट के फौरन बाद जो है घर के सारे काम कर लिए, ये सारा सफाइयां सब कुछ हो गया और अभी मैं जाऊंगा बाजार जाके आज लेकर आता हूँ कोई अमेजिंग खाने के लिए कुछ चटपटा। ये हुई ना बात। आज चार कोर्स बनाने का मेरा प्लान है तो देखता हूँ मैं क्या क्या उसमें डालूंगा, क्या क्या बनाऊंगा और क्या क्या अमेजिंग चीजें जो है ना वो बनेंगी। तो गाइस इस तरह मेरे साथ जुड़े रहना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मैं गरीब हूँ। अभी हमने अपना सारा सामान खाने का लेकर आ गए हैं और अब आज शैली ने मुझे छुट्टी दी है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो मुझे कि आज मैं खाना नहीं बना रहा, आज मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊंगा वो भी अमेजिंग वाला। और अभी शैली जो है ना शुरू हो चुकी है अपने काम धंधे में, क्या बना रही हो आज? अचार गोश्त। भाई अचार गोश्त बन रहा है, आदि सैलेड बना रहा है, दिया ने जो है वो क्या कहते हैं मटर, दिया ने मटर छील दिए हैं। आज हम सारे मिलके एक कमाल किस्म का कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं गाइस। आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, वैसे भी आज खजूरों का इतवार है और आज मेरे तोते की भी बर्थडे है। ये देखो मेरा तोता मेरे साथ चिपका हुआ है, आज मेरे तोते की बर्थडे है और उसकी ग्रैंड बर्थडे बनाने का जो है ना हम लोग को चाव चढ़ा हुआ है। अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं, हम उसके आज की इसकी बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कैसे करते हैं, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे अभी हमें कुछ पता नहीं है। क्या क्या है तुम बोलो, शायद तुम्हारे कहने पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। बोलो गाइस मेरा अब जो है ना जूस रेडी हो चुका हुआ है और ये मिट्टी आज घर पे आई है, हमारी बहू रानी घर पे आई है और वो देखो उसको क्रीमों की कितनी सख्त जरूरत है। पी के दिखाई तेरे भाई ने बनाया, कैसा बना? स्ट्रॉबेरी सेब केला और दही, इसका शेक बनाओ बड़ा ही मजे का औसम बनता है यार, दूध वूध बचाने की जरूरत ही नहीं डालने के लिए, बस एक पाव पैकेट बस दूध का काफी होता है। इतना डैशिंग लग रहा है इसका, ये देखा है आपने पिंक शर्ट बनी ना इसलिए मैंने पिंक ही बनाया बेटे, हाँ अगर ब्लैक बना तो ब्लैक बनाया था मैं। अरे पागल है साला, मिट्टी पी के देखना पहले तू
तेरे पे एक्सपेरिमेंट करना है ये। हाँ मजे का बना है ये हमारी टिक्कू जो आज बर्थडे के साथ साथ पप्पो भी बन गई। ये दिया भी पप्पो है। वो छोटी थी हमारी बेटी है उसकी जो है दिया और टिक्कू पप्पो और ये चाचू देखो ये देखो चाचू ये चाचू बन गया चाचू मैं दादा बन गया ये देखो दादी के हाल देखो ये देखो दादी तो गाइस हम लोग दादी भी बन गए मैं दादा बन गया हूँ ये दादी बन गई है ठीक है आदि जो है वो चाचू बन गया है दिया फुप्पो बन गई है और ये छोटी फुप्पो हो रही है। गाइस अभी देखे हमारा खाना रेडी हो गया कचनार मैंने बना ली और साथ में मैंने आज ये तो शैली ने बनाया है अचारी चिकन बनाया रायता है रोटी है दही है मिट्टी है ये मिट्ठू है और ये हमारी माओ है ये अपने दादा के घर आई है। दादा हो गया बाबू दादा बिड़ू दादा तू मेरा बच्चा है तू मेरा बच्चा है। तो गाइस अभी हम आपको ना ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई अपना तो हो गया ये प्लेटर तैयार कचनार कचनूर सब कुछ इसमें डाल डूल दिया है यार कितना खूबसूरत कलर लग रहा है देखो वीडियो में है ना खूबसूरत ही कलर है खाने में देखते हैं कैसा मजेदार मजे का बन गया यार। खाना पीना होने के बाद हमारा अब अगला जो राउंड शुरू हो चुका है वो है टिक्कू के केक सेरेमनी।